हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। वेलकम टू योर ओन चैनल द इन्फो स्टोर हाउस। तो आज की रेसिपी बन रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो पकोड़े हों या फिर समोसे हों या फिर ब्रेड पकोड़े, आलू के पकोड़े या राम लड्डू जो हम बनाते हैं, मूंग दाल के पकोड़े जो बनते हैं, या फिर भल्ले पापड़ी हो, इतनी सारी चीज़ों में ये एकदम बढ़िया से फिट हो जाती है। कभी टिक्की के साथ खाइए, कभी किसी चीज़ के साथ। तो इसके लिए मैंने ली थी कम से कम ये एक पाव के आसपास इमली थी, और इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था। एक पाव या मतलब डिपेंड करता है, अगर आप ओनली वन टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो एक पाव इमली भिगो दीजिए, अगर आप थोड़ा एक दो वीक तक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है आधा किलो तक इमली उसको भिगो दीजिए। और मैंने ये कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो दी थी, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के, अब उसका पल्प जो है वो सारा निचोड़ के उसका जो इमली का पूरा जूस है उसको अलग कर रही हूँ। जो इमली के ये बीज निकल रहे हैं इसको मैं अलग रख लूँगी, क्योंकि मैं ये ऊपर गमलों में लगा दूँगी, और जैसे ही पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर जो हमारे आसपास जो भी पार्क होते हैं मैं उनमें जाके लगा दूँगी। तो इस ये इमली के बीज आप चाहें तो घर में भी इमली का पौधा लगा सकते हैं, और स्पेशली अगर थोड़ी सी ज़मीन है आसपास, बिल्कुल ज़मीनी एरिया है, तो वहाँ पर आप ज़रूर लगा सकते हैं। इमली के बीज जो हैं ये कम से कम 7-8 लगाएंगे तो 2 या 3 उसमें से ग्रो करते हैं, सारे ग्रो नहीं करते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बीज रख लिए थे अलग। तो ये इमली का जो पूरा हमने रस है उसको अलग कर लिया है, इसको अब मैं एक पैन में चढ़ा दूँगी। तो ये मैंने एक स्टील का भगोना ले लिया है, उस पतीले में मैंने ये इमली का पूरा जितना भी एक्सट्रैक्ट निकला था इसको अलग कर लेंगे, और अब फ्लेम को कर देंगे सिम, और इसको अब अच्छे से बॉईल होने देंगे। साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। बहुत ही डिलीशियस चटनी बनके तैयार होती है, और मुझे स्पेशली ये चटनी पसंद आती है जब हम घर में आलू की टिक्की बनाते हैं उसके साथ, मतलब और कुछ भी ज़रूरत नहीं लगती, कोई हरी चटनी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ये टिक्की के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें 2-3 चीज़ें ऐड और करेंगे, नमक मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च जो देगी, लाल मिर्च होती है ये वो वाली है, तो इससे एक अच्छा सा कलर भी आएगा और हल्का सा तीखापन आएगा मिर्च में। तो खट्टी मीठी और तीखी ये तीनों कॉम्बिनेशन इस चटनी में हम देंगे। इसको लगातार बॉईल होने देंगे, गैस को हमें स्लो फ्लेम पे चढ़ाए रखना है। इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर ज़रूर डालिए, इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो जीरा पाउडर बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि देगी मिर्च जो है हमने ज़्यादा नहीं डाली तो उससे कलर अच्छा आएगा, लेकिन काले मिर्च पाउडर से तीखापन आएगा। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे गुड़, गुड़ आप स्टेप बाय स्टेप डालिएगा, जैसे थोड़ा सा डाला है उसके बाद जब गुड़ पूरा मेल्ट होके अच्छे से मिक्स हो जाए आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर खट्टापन अभी भी बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ आप उसमें और ऐड करते रहिए, बट टेस्ट कर करके उसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमें कितनी मीठी चाहिए। तो आपका जैसा टेस्ट आपको पसंद हो कि हमें मीठी ज़्यादा रखनी है या खट्टी ज़्यादा रखनी है, उसके अकॉर्डिंग गुड़ की क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। और इसके बाद इस इमली के पूरे इस पल्प को, ये जो एक्सट्रैक्ट हमने रेडी कर लिया है, इसको उबलने देना है कम से कम 30 मिनट्स के लिए, आधा घंटा कम से कम, मैक्सिमम 30-45 मिनट्स इसको बॉईल होने देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और इसको बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहना है। जब ये बॉईल होने लगेगी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करा, अगर आप गाढ़ा कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं तो इसको बॉईल करते रहिए, धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसको अच्छे से हम इसी तरह से चला चला के कुछ कुछ टाइम पे
आधे से पौने घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम पे चढ़ा के रखेंगे, इसको लगातार बॉईल होने देंगे। तो यहाँ हमारी चटनी बनके है बिल्कुल रेडी। मैंने इसको बहुत गाढ़ा नहीं बनाया है क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा नहीं बनाना था, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली ही रखनी थी। अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। इतनी कंसिस्टेंसी अगर आप आधा घंटा और उबालेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय।